हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विजुअल स्टूडियो कोड के डिफॉल्ट ब्राउजर को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है। मैं यहां पर आपको एक बार इस कोड को सेव करके और गो लाइव पर क्लिक करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो फायरफॉक्स है। तो यहां पर मेरा फायरफॉक्स ओपन हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी जगह मेरा गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन हो। तो यहां पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर बॉटम साइड पे सेटिंग्स का एक आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। फिर यहां पर आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। फिर यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, लाइव सर्वर सेटिंग्स कस्टम ब्राउजर। तो यहां पर आपको इस बटन पर क्लिक करना है और यहां से आपको उस ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना है जो आप चाहते हैं कि आपका डिफॉल्ट ब्राउजर बन जाए। तो यहां पर मेरे पास सिर्फ दो ब्राउजर हैं, फायरफॉक्स और क्रोम। तो यहां पर मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूं और इस तरह से ये मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर बन चुका है। अब मैं दोबारा से आपको इस कोड को सेव करके और गो लाइव पर क्लिक करके दिखाता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा कोड है वो क्रोम ब्राउजर पर ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने VS कोड के अंदर लाइव सर्वर को चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स के वीडियो मिलते रहें।